फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि 6 महीने से बड़े बच्चे को अनार का जूस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसके क्या फ़ायदे हैं और किन बच्चों ने अनार का जूस नहीं पीना चाहे वो 6 मंथ के हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके बेनिफिट क्या है अगर हम बच्चों को अनार का जूस देते हैं और बच्चा 6 महीने का हो चुका है। बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बच्चों को रोज़ाना 2 से 3 चम्मच, अगर बच्चा 6 महीने का है तो 2 से 3 चम्मच अनार का जूस ज़रूर देना चाहिए। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी चीज़ का अगर अपने बच्चे को जूस पिला रहे हैं तो वो दोपहर के टाइम पे पिलाएं, जब धूप हो, शाम के टाइम पे कभी नहीं पिलाएं। बॉडी में खून की कमी को पूरा करने के लिए, यानी कि बच्चों में पूरा खून बनाने के लिए अनार का जूस बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। इसके अलावा पेट की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बच्चे को दिन में 2 से 3 चम्मच अनार का जूस आपको ज़रूर पिलाना है। इसके अलावा स्किन पर ग्लो लाने के लिए और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी बचे रहने के लिए बच्चों को अनार का जूस ज़रूर पिलाना चाहिए। इसके अलावा डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, इनसे भी बचे रहने के लिए बच्चे को अनार का जूस आपने ज़रूर पिलाना है। तो अब जानते हैं किन बच्चों ने अनार का जूस नहीं पीना। सबसे पहले आपको एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि रात के टाइम अनार का जूस हो या किसी भी जूस को बच्चे को नहीं पिलाना। इसके अलावा जिस बच्चे को सर्दी, जुखाम, ठंड लगी हुई है उस बच्चे को अनार का जूस नहीं देना। बेशक इसके बहुत फ़ायदे हैं लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है। अगर बच्चे को जूस देते हैं अनार का तो वो बच्चे में सर्दी को जाने नहीं देगा। जब बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए 2 दिन में 3 दिन में, उसके बाद बहुत आराम से आप बच्चे को अनार का जूस दे सकते हैं ताकि उसके सारे बेनिफिट बच्चे को मिल सके। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन उन मदर्स के लिए बहुत खास है जिनके बेबी 6 मंथ से ऊपर के हो चुके हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज़ बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।